HTL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, HTL TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। अलवर के विजयनगर ग्राउंड में लगे पंडाल में एक युवक को लगा करंट, गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। पंडाल में चल रही थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा, समापन की वजह से उमड़ी थी भक्तों की भारी भीड़। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची हनुमान सर्कल, भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में करेंगी शिरकत। राजस्थान के 16 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने दी चेतावनी, फिलहाल पूर्वी राजस्थान के जिलों में एक्टिव है मॉनसून। तमिलनाडु के एमएलए को सेक्स एक्सटॉर्शन में फंसाकर 80 लाखों की रकम, नगर पुलिस के सहयोग से 2 नाबालिगों समेत 3 आरोपियों को पकड़ा। नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में युवक हुआ गिरफ्तार, अरावली बिहार पुलिस ने की कठुमर के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। भैरोड़ के मिस्त्री हत्याकांड में 3 इनामी बदमाशों को दबोचा गया, भिवाड़ी स्पेशल टीम ने कसा शिकंजा। सोमवती अमावस्या और श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर उमड़े श्रद्धालु, वहीं महिलाओं ने मनु मार्ग मंदिर में जल चढ़ाकर रखा व्रत। शिव महापुराण कथा का मंगलवार को आज हुआ समापन, वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अनेक प्रसंगों का किया वाचन। नेक कमाई समूह ने श्रद्धालुओं को अल्पाहार किया वितरित, विजयनगर मैदान में कपड़े से बने मानस थैले भी किए गए प्रदान। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भगवान और धर्म पर नहीं है किसी का कॉपीराइट, बीजेपी पर हिंदू धर्म को बपौती बनाने का लगाया आरोप। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत प्रदेश सरकार को घेरेगी भाजपा, 1 अगस्त तक होंगे कई कार्यक्रम। प्रताप बंद क्षेत्र के निवासी व्यक्ति की हुई संदिग्ध हालत में मौत, सांप के काटने से मृत्यु की बनी आशंका। आरएसएस को लेकर बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लिया आड़े हाथ, भाजपा नेता पंडित धर्मवीर ने बताया था ओछी मानसिकता। जरूरतमंद बच्चों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं की वितरित, शहीद भगत सिंह सेना के सदस्यों ने जेल चौराहे के समीप किया वितरण। स्टेट पावर लिफ्टिंग में जीते 4 रजत और 1 कांस्य पदक, बांदीकुई में हुए एक टूर्नामेंट में अलवर ने किया शानदार प्रदर्शन। आर्यनगर में लगाया गया निशुल्क मेडिकल कैंप, अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय और मेदांता अस्पताल ने किया आयोजन। जीवनधारा ब्लड बैंक में लगा रक्तदान शिविर, शहर के कर्मचारी कॉलोनी स्थित ब्लड बैंक में किया गया आयोजन। शहर के वार्ड 8 में गड़बड़ाई सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मियों पर खानापूर्ति के लगाए आरोप। मदर टेरेसा होम में अनाथ बच्चों को दिए गए उपहार, जिला पार्षद सरिता राज ने अपने जन्मदिन पर उठाया नेक कदम। राज्य सरकार स्काउट प्रशिक्षण शिविर हुआ आरंभ, शहर की नगर बगीची में हो रहा है आयोजन। फैशन और इंटीरियर्स की प्रदर्शनी का हुआ आगाज, होटल स्वरूप विलास में लग रही है 2 दिवसीय प्रदर्शनी। हादसों को न्योता दे रहा है सिलीसेड मार्ग का क्षतिग्रस्त पुल, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बना खतरा। भरथरी धाम में श्रद्धालुओं के सैलाब से रास्ता हुआ बाधित, हरियाली अमावस पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। मालाखेड़ा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रदान किए एलईडी बल्ब, बिजली बचाने के उद्देश्य से न्यूनतम दरों पर किया जा रहा है वितरण। बहादुरपुर समेत कई गाँव में दौरा कर बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां, एडवोकेट देशराज खरेरा ने किया दौरा। हरियाली अमावस्या पर मालाखेड़ा क्षेत्र में रोपे पौधे, दिव्यांग जन कल्याण संस्थान समेत आयुर्वेद कर्मियों ने किया पौधारोपण। मालाखेड़ा क्षेत्र में बारिश का पानी जमा होने की बनी समस्या, नाले की ढंग से व्यवस्था नहीं होना है एक बड़ा कारण। बरखेड़ा में इंदिरा रसोई घर की शुरुआत की बनी प्रतीक्षा, जिला परिषद ने जारी नहीं किए अब तक संचालन के आदेश। मालाखेड़ा क्षेत्र में महिलाओं ने व्रत रखकर किया भगवान भोलेनाथ का पूजन, हरियाली और सोमवती अमावस्या पर हुए आयोजन। सड़क दुर्घटना में मृत कावड़ियों के परिजनों ने दी सांत्वना, ढकपुरी पहुंचे मंत्री जूली और पूर्व एमएलए जयराम समेत कई दिग्गज नेता। माधोगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में दूर दराज से पहुंचे भक्त, पूजा अर्चना कर मांगी मन्नत।
नटनी का बारा में पर्यटकों ने घूमने का उठाया लुत्फ, रूपारेल नदी के बहते पानी का देखा सुंदर नजारा। भिवाड़ी में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा दूषित पानी, लोगों का पैदल निकलना भी हुआ मुश्किल। भिवाड़ी के महिला थाने पर संचालित हो रही है पाठशाला, जरूरतमंद बच्चों को करवाते हैं पढ़ाई। भिवाड़ी के सेंट्रल पार्क में हुई चित्रकला प्रतियोगिता, बच्चों ने उत्साह के साथ करी भागीदारी। भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग पर प्रतिष्ठान रखे बंद, सोमवार को भिवाड़ी कस्बे में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें रही बंद। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह ने लक्ष्मणगढ़ का किया दौरा, मौजपुर में एक्सप्रेस वे पर भी हुआ उनका अभिनंदन। खैरथल से खाटू धाम रवाना हुआ श्याम प्रेमियों का जत्था, 50 सदस्य हैं शामिल। कोटपुतली में लगी मोदी सरकार के कार्यों की प्रदर्शनी, शरणम पैराडाइज मैरिज गार्डन में हुआ आयोजन। मेजर दलपत सिंह कल्याण बोर्ड बनने पर जताई खुशी, रावणा राजपूत समाज ने सीएम का जताया आभार। पाटन पंचायत क्षेत्र में लगाए 501 पौधे, ओटपुर स्कूल समेत खेल मैदान और मोक्ष धाम में हुआ पौधारोपण। खैरथल पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा, हरसोली गांव से पार की थी बाइक। खैरथल के वार्डों में विकास कार्यों में पक्षपात के लगे आरोप, विरोध में कांग्रेसी पार्षदों ने की बैठक। चपूकड़ा के काली माता मंदिर में हुआ हवन यज्ञ, बाबा शुक्रनाथ महाराज की मनाई गई पुण्यतिथि। लॉयंस क्लब मत्स्य की कार्यकारिणी ने ली शपथ, जयकृष्ण क्लब बैंकेट हॉल में किया गया कार्यक्रम। इस बीट न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एटीएल टीवी, क्योंकि खबरें हम दिखाते हैं वही जो आपके लिए होती हैं सही। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, नीविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स के स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेल को उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है, खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन एकेडमी, ब्रांच जयकृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कांटेक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद, इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बातिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।